टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूं और एक नए टॉपिक के साथ जो कि आज हम लोग सीखेंगे 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। 360 माइनस थीटा का रिडक्शन हम लोग देखेंगे। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी 180 माइनस थीटा का रिडक्शन और 180 प्लस थीटा का, जो कि बहुत ही अच्छे से हम लोग क्लियर किए थे, जो कि आपको पता होगा कि साइन 180 माइनस थीटा का क्या होता है, साइन थीटा आपने लिखा था, क्योंकि साइन थीटा जो है जीरो से पाई में पॉजिटिव आता है, इसीलिए ये पॉजिटिव दिया था। इसी तरीके से कॉस 180 माइनस थीटा का रिडक्शन जो होता है वो माइनस कॉस थीटा आया था। क्यों माइनस आ रहा है इसका भी रीजन आपको पता होगा, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में क्लियर भी किया था। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि क्यों माइनस आया, तो माइनस क्यों आया, क्यों आया माइनस, क्योंकि आप जानते हो कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है ना, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है इसीलिए नेगेटिव है। अब टैन में देखिएगा, तो टैन जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुका हूं, तो टैन 180 माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है आपका, क्योंकि टैन भी नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना। तो आज हम लोग देखेंगे एक नया टॉपिक इसी से रिलेटेड, जो है आपका रिडक्शन फॉर्मूला से ही रिलेटेड आपका ये टॉपिक है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डी, आगे हम लोग चार देख चुके हैं, 180 माइनस थीटा देख चुके हैं, आज हम लोग देखेंगे ये आपका टॉपिक है ई, 360 माइनस थीटा का रिडक्शन ये कैसे देखते हैं। तो इसको और भी आप एक नाम से जानते हैं, माइनस थीटा इफेक्ट, माइनस थीटा इफेक्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जस्ट इसका भी वही प्रोसीजर है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में करा था, मतलब 180 माइनस थीटा का जो रिडक्शन मैंने निकाला था, चाहे आप 180 प्लस थीटा की बात करें। तो अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा, और आने वाले सेशंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस लेकर आऊंगा मैं आपके लिए, जो कि आपका कंसेप्ट को वो बहुत ही अच्छे से क्लियर करेगा। तो अभी तो मैं इस कंसेप्ट को समझ रहा हूँ कि आखिरकार ये 360 माइनस थीटा में अगर कोई भी एंगल को आप लिखा हुआ है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, अगर कोई भी ये रिडक्शन आता है 360 माइनस थीटा का, तो उसका आप रिडक्शन कैसे निकालोगे और कैसे उस रिडक्शन से आप वैल्यू को फाइंड करोगे। तो यहाँ पे आपका है, जैसे आप सेम प्रोसीजर प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि किसी भी रिडक्शन को निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करना है। एक्स वाई प्लेन को ड्रॉ करने के बाद ये एक्स हुआ, ये एक्स डैश हुआ, ये हुआ आपका वाई जो कि, और ये हुआ जो वाई डैश हुआ। देखिए ये जो होता है आपका, ये जो है आपका एक्स वाई प्लेन है जो कि आपका जो है पहले ड्रॉ करना है ये, तो ये हम ड्रॉ कर लिए एक्स वाई प्लेन। जैसे ये आपका जो है लाइन इस तरीके से ड्रॉ नहीं हुआ हो पाया है अच्छे से, तो इसको फिर से हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है आपके लिए, ये आप एक्स वाई प्लेन को आप ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये एक्स डैश होता है, इधर वाई होता है, इधर वाई डैश होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि एक आर लेंथ का रेडियस मानकर एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं यहां तक होना चाहिए, है ना। अब क्या करते हैं कि अगर 360, अब सबसे पहले यह जानना है कि x में इधर पॉजिटिव होता है, y में इधर पॉजिटिव, x में इधर नेगेटिव, और y में इधर नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां से आपको ये होता है जीरो वाला लाइन, ये होता है पाई बाई टू, ये होता है पाई, ये होता है थ्री पाई बाई टू, और ये जो है आप एंगल कैसे बनाए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप एंगल को बना रहे हो। तो एंटी क्लॉकवाइज में मैं पहले भी डिस्कस किया था बच्चों की, मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब एंगल बनाते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। जैसे इस डायरेक्शन से अगर आप एंगल को बना रहे हो, अगर इस एक्स वाई प्लेन में, तो जितना भी एंगल आपका बनेगा वो सारा का सारा पॉजिटिव आएगा। तो हम अभी पहले देख रहे थे कि ये 2 पाई है, 2 पाई को कितना बोलते हैं, तो 2 पाई हो गया आपका 360, मतलब यहाँ पे हम इस लाइन पे खड़े हैं। तो इस लाइन से अगर हम मान लीजिए कि यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसा, आर लेंथ का रेडियस से एक पी पॉइंट एक्स वाई लेते हैं,
तो आपको पता होगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मान लीजिए थीटा है, और यहां से अगर आप माइनस थीटा मतलब 360 यहां पे है, तो अगर माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये कहां जाएगा, यहां जाएगा। मतलब कि अगर इसको पी डैश माने तो आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होता है। लेकिन ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है यहाँ पे, वो आपका एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। आप देख सकते हैं कि इधर वाला पार्ट में आपका, अब ये जो एंगल बना वो क्या, माइनस थीटा रिडक्शन इसी को बोला जाता है। मतलब कि यहां से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहां से आपका जो है ये 360 माइनस थीटा का रिडक्शन आपको दे देगा। तो ये आया आपका 360 माइनस का रिडक्शन, ठीक है। यहां आप इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए, तो ये हुआ आपका 360 माइनस थीटा। अब इसमें आप जिस तरीके से ये आर लेंथ का रेडियस मानकर, ये तो दोनों आपका परपेंडिकुलर ही हुआ है ना, तो ये थीटा है तो ये माइनस थीटा, इधर यहां भी 90 है ना, तो ये माइनस थीटा हुआ। तो यहां पे अगर इसके लिए आप निकालेंगे तो ये हो गया आपका, क्या हो जाएगा, ये आपका 90 माइनस थीटा है ना, और इधर हो जाएगा आपका ये जो है थीटा, तो माइनस थीटा, तो इधर भी है आपका 90 माइनस थीटा के। तो ये आपका एक्स हुआ ये सामने वाला, और ये जो है हाइट बताया जो कि निगेटिव है। तो ये जो है इस ट्राइंगल की बात करें हम लोग, यहां पे अगर M कोई लाइन ले लेते हैं आप, M जैसे M, अगर M पॉइंट लेते हैं यहां से, इस अच्छे से फिगर को वॉच कीजिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बना क्या। अब राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप 360 माइनस थीटा का अगर रिडक्शन देखते हैं, जनरली यहां पे आप अगर देखते हैं तो 360 माइनस का, अगर साइन 360 माइनस थीटा का अगर आप रिडक्शन निकाल रहे हो तो क्या होता है, P बाई एच, और P यहां पे क्या है, P डैश M P है, और R क्या है, OP डैश, और OP डैश है तो P डैश M को क्या लिख रहे हैं आप, माइनस Y, और ये R हो गया, तो माइनस Y अपॉन R को क्या लिखते हो, साइन थीटा, क्योंकि P by H मतलब Y कोऑर्डिनेट अपॉन R को आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप डिराइव कर चुके हो पहले भी, कि Y कोऑर्डिनेट अपॉन R को आप क्या बोल देते हैं, तो आप साइन थीटा बोलते हैं, ऑलरेडी इसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है तो माइनस साइन थीटा आ गया। तो यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो cos 360 माइनस थीटा का जरा सा निकाल कर देखते हैं। तो cos 360 माइनस थीटा का अगर आप लिखना चाहेंगे तो बेस, बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस इसमें कौन है, x, x कोऑर्डिनेट अपॉन r, मतलब यहां पे पहले x को लिखेंगे, om अपॉन op डैश, op डैश आपका हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो om को क्या, om का यहां लेंथ क्या दिया हुआ x, तो x अपॉन r, और इसको बोल देंगे आप cos थीटा। तो ये दो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर आप निकाल लिए हैं तो बाकी आप निकाल लें। अब देखिए एक बात याद कीजिए आप, मैंने पहले भी डिस्कस किया है ये, कि अगर cos यहां पे पॉजिटिव आ रहा है तो इसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में जितना भी sec और cos थीटा आएगा, तो 360 माइनस थीटा के सेंस में अगर मान लीजिए कि cos माइनस थीटा हुआ लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि इसको पॉजिटिव ही लिखना है, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो इसलिए cos वहां पे पॉजिटिव होता है, तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि sec थीटा और cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होता है आपका। तो देख लीजिए बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर हम साइन की बात करते हैं अभी, तो साइन आपका नेगेटिव आ चुका है, ठीक है, और इसको हम लोग माइनस थीटा इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसको माइनस थीटा, जितना भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले ले, तो यहां पे जो लिया है आपने कि एक्स और माइनस वाई, तो इससे हम लोग निकाल लिए 360 माइनस थीटा का रिडक्शन। इसी तरीके से सिमिलरली आप और भी जो भी बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहां पे आप निकाल सकते हैं, सिमिलरली बाकी और भी जो है, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे टैन 360 माइनस थीटा का अगर आप निकालते हैं, 360 माइनस थीटा का, तो माइनस टैन थीटा,
इसी तरीके से अगर कॉट 360 माइनस थीटा का अगर निकालते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस कॉट थीटा, और कॉसेक 360 माइनस थीटा का अगर निकालते हैं तो माइनस कॉसेक थीटा, और अगर सेक सेक की बात करें हम लोग 360 माइनस थीटा तो ये होगा सेक थीटा। तो अगर हम इसको फ्रेशली माइनस थीटा इफेक्ट के नाम, ये तो आपका एक रफ मतलब पूरा डायग्राम के साथ मैंने क्या किया कि एक आर लेंथ का रेडियस मानते हुए एक पी पॉइंट माना सर्किल के बाउंड्री पे एक्स वाई, ठीक है, आर लेंथ का रेडियस मानते हुए एक सर्किल ड्रॉ किया और एक पॉइंट पी एक्स वाई लिया है वहां पे और एक सर्किल ड्रॉ किया और ऑरिजिन को सेंटर मानते हुए यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। अब यहां से आपका ये देखिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो देखिए अब थीटा एंगल ये है तो माइनस थीटा किधर आएगा, क्लॉकवाइज में बनेगा क्योंकि हम पहले डिस्कस किए हैं ये बात, आपको पहले भी बताया है मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज में जब भी आपका एंगल बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, ये क्लॉकवाइज है तो माइनस थीटा किधर होगा, जैसे ये 2π लाइन है आपका यहाँ तो माइनस थीटा किधर आएगा, क्लॉकवाइज में आएगा आपका, तो ये क्लॉकवाइज ही तो बना रहे हैं तो 360 माइनस थीटा आ जाएगा ये, और ये तो आपको पहले ही बताया गया कि अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा तो ये इस तरीके से होगा, तो ये आपका जो है 360 माइनस थीटा का रिडक्शन था। अब इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका अगर साइन 330 डिग्री अगर दिया हुआ है तो इसको कैसे आप बनाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हैं इसको तो क्या लिखेंगे इसको, ये कहाँ का एंगल है, किसके नजदीक का एंगल है, 360 डिग्री के नजदीक का है, तो 360 माइनस 30 अगर लिखते हैं तो आपका ये आ जाएगा 330। अगर आप बात करें 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और थीटा के जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 हुआ, और ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो -1/2। तो ये एग्जांपल के तौर पे आप इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा सेशन में, जो कि आने वाले सेशन में आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा इससे रिलेटेड। तो अभी मैं कंसेप्ट को डिस्कस किया, अगर यहां तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हुई है तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, फिर इसका हम समराइज फॉर्म में आप इसको बताएंगे कि माइनस थीटा इफेक्ट को कैसे हम लोग समराइज करके लिखेंगे और आपको एंगल कैसे दिया रहेगा और उसको आप कैसे आपको पॉजिटिव समझ लेना है। तो जब भी एक चीज याद रखिएगा कि सेक थीटा में अगर माइनस एंड माइनस में अगर कोई भी एंगल दिया हुआ है तो उसको डायरेक्टली आपको पॉजिटिव लिख देना है, क्यों, क्योंकि सेक थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अच्छा, कॉस के अंदर अगर कोई निगेटिव ऐसा लिखा हुआ है, सपोज दैट कॉस माइनस 120, तो इसको समझ लीजिए कि कॉस 120 लिख देना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कॉस के अंदर कोई भी मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है माइनस 45, इसका मतलब ये है कि cos 45 हो जाएगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव ही देता है, तो cos के अंदर कोई भी माइनस थीटा वाला एंगल रहेगा या फिर इस तरीके का टाइप का फॉर्म में एंगल दिया रहेगा तो उसको आप पॉजिटिव मान लें, क्यों, क्योंकि आपका सेकंड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में sec थीटा और cos थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा निगेटिव होता है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है। इसलिए यहां तक आपको अगर समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई तो मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको इरेज करता हूँ, और आप अगर नहीं लिखे हैं तो इसको वीडियो पॉज कर आप लिख सकते हैं। तो ये था आपका 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, क्योंकि इसको समझना है कि ये आया कैसे, जैसे 360 माइनस थीटा को हम कैसे लिख देते हैं माइनस साइन थीटा, तो इसका ये रिडक्शन था आपका माइनस थीटा इफेक्ट का। तो ये हम अब इरेज करते हैं, तो आगे हम लोग देखेंगे अभी। ये जो सेशन ले रहा हूं सिर्फ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मेरा, निमसेट, निमसेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट सेशन है, मतलब आप अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको अगर प्रोवाइड किया जा रहा है सेशन, मतलब इसका तो कोई आपको चार्ज है नहीं, तो देखने में क्या जाता है, आप देख ले और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि ये कोई ऐसा चीज तो है नहीं कि आपको बताया जा रहा है
ये सिंपली आपको जो है पढ़ाई से रिलेटेड है, तो आप क्यों ना देखें। और ज्यादा लंबा वीडियो है नहीं, आप एक कंसेप्ट को सीख जाते हो तो आपका जो है आपका एक एग्जाम में अगर क्वेश्चन बन जाता है तो समझ लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो अगर आपको ये सेशन निमसेट के लिए मिल रहा है फ्री में, तो आप क्यों ना इस सेशन को ज्वाइन करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं और शेयर करें इस वीडियो को, क्योंकि ये YouTube पे आपको रेगुलर मिलते रहेगा और ये निमसेट के एग्जाम के लिए आपको ये इम्पोर्टेंट सेशन है, जो कि 2024 जो निमसेट जो होने वाला है एग्जाम, जो कि मई के महीने में ये एग्जाम हर साल होता है, और इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी लेकर आऊंगा मैं, जो कि अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किया हूँ। तो ये जो अभी बहुत सारे टाइम आपके पास है, तो अभी से भी आप अच्छा रैंक लगा सकते हो, मतलब अच्छा रैंक आप ला सकते हो, क्योंकि ये रेगुलर सेशन आपको मिलेगा और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा। तो अभी मैंने जो पढ़ा, तो उसका समरी जो है, देखिए समरी इसका जो यही हुआ कि आप देखिए कि माइनस थीटा इफेक्ट, अगर ये आपको लिखा हो, इसको नाम ही है माइनस थीटा इफेक्ट, माइनस थीटा इफेक्ट ही इस नाम से जाना जाता है। अगर देखिए इस तरह का अगर माइनस साइन माइनस थीटा है, तो इसको आप डायरेक्टली क्या लिखेंगे, माइनस साइन थीटा। अगर कॉस में अगर माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्टली आप कॉस थीटा लिखेंगे। अगर टैन में अगर माइनस थीटा दिया हुआ है, तो माइनस टैन थीटा, मतलब ये सब निगेटिव देगा आपको। कॉट में अगर माइनस थीटा दिया हुआ है, तो माइनस कॉट थीटा होता है। अगर सेक में अगर माइनस थीटा दिया हुआ है, तो इसमें आपका पॉजिटिव आएगा। और अगर कॉसेक कॉसेक माइनस थीटा अगर दिया हुआ है, तो माइनस कॉसेक थीटा होगा। अब इसका मतलब क्या होता है, एग्जांपल से समझे आप कि क्या होता है भाई माइनस साइन थीटा। जैसे देखिए साइन माइनस थर्टी डिग्री, तो डायरेक्टली आपको क्या निकालना है, माइनस को बाहर कर लीजिए, तो माइनस साइन थर्टी डिग्री, मतलब कि साइन थर्टी का वैल्यू माइनस, मतलब माइनस एक लगा हुआ है, साइन थर्टी का वैल्यू 1/2, तो इसका माइनस 1/2 हुआ। अगर इसी तरीके से अगर टैन में दिया हुआ है माइनस थर्टी, तो इसको डायरेक्टली आप माइनस थर्टी लिखे टैन थर्टी। अब माइनस साइन तो है, टैन थर्टी का वैल्यू 1/√3, तो ये माइनस 1/√3 आ गया। तो इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट जो है यूज करना है क्वेश्चन में। तो मैं एग्जांपल भी बताया, अगर इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में कई बार आता है आपको निगेटिव एंगल दिया रहेगा, तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या करना चाहिए। ये अगर याद रखिएगा कि अगर कोई निगेटिव एंगल साइन के अंदर है, अगर कोई कॉस के अंदर निगेटिव एंगल दिया हुआ है, अगर टैन के अंदर कोई निगेटिव एंगल दिया हुआ है, तो उसको क्या लिखना है आपको। तो ये देखिए सेक और कॉस पॉजिटिव आया है, बाकी सारा निगेटिव आता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सारा निगेटिव होता है, sec थीटा और cos थीटा को छोड़कर बाकी सारा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये आपका माइनस थीटा इफेक्ट से रिलेटेड था, तो इसको आप लिख लीजिए। अब बचा आपका 360 प्लस थीटा, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। अब बचा आपका 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि एक पूरा कंप्लीट रोटेशन कर लिया ये, मतलब यहां से शुरू हुआ एंगल बनाना और यहां पहुंच गया। तो कहने का मतलब कि ये जो है एक्स वाई प्लेन में अगर आप लेते हैं इसको एक्स डैश, और ये एक्स है और ये वाई है वाई डैश, तो ये आपका पूरा कंप्लीट, मतलब ये पूरा 360 प्लस थीटा जो है एंगल हुआ। और 360 प्लस थीटा में अगर पहुंच जाइएगा आप, तो इसमें तो सारा सारा का सारा पॉजिटिव ही होता है। तो इसको पढ़े या ना पढ़े, आपको याद ही रहेगा कि अगर कोई भी 360 प्लस थीटा वाला एंगल होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, मतलब कि ये 2 पाई है। और अगर इधर से एंगल आप बना रहे हैं, तो ये पाई बाई 2, ये पाई और ये 3π/2। तो देखिए एक कंप्लीट रोटेशन मारने के बाद फिर प्लस थीटा एंगल अगर इसमें जोड़ा जाए, ये थीटा एंगल अगर इसमें जोड़ दिया जाए,
तो ये 360 प्लस थीटा होता है। 360 प्लस थीटा कहां है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जब आ गया सारा एंगल, तो इसमें तो पॉजिटिव ही होता है। इसमें क्यों याद रखना है, ये तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो कोई दिक्कत नहीं। कॉस भी पॉजिटिव होगा, बाकी सारा भी। जैसे उस तरीके से कोई भी एंगल आप ले लीजिएगा इस तरीके का 360 प्लस थीटा वाला, तो आपका ये सब पॉजिटिव देगा। जैसे आप मान लीजिए कि साइन के अंदर अगर आपका ऐसा रहेगा 420 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो क्या हो जाएगा? देखिए साइन 360 मतलब 2 पाई प्लस 60, ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई प्लस, तो ये होता है साइन थीटा। साइन के थीटा के जगह पे 60, मतलब साइन 60 का वैल्यू रूट 3 बाई 2, मतलब पॉजिटिव ही हो जाएगा, क्योंकि एक कंप्लीट रोटेशन मारने के बाद ये इसी में आता है। तो साइन 360 प्लस थीटा जो है, 360 प्लस थीटा का रिडक्शन जो है, आपको ऐसे ही याद रखना है कि अगर एक कंप्लीट रोटेशन में अगर थीटा एंगल जोड़ेंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आपका ये जो है 360 प्लस थीटा है, जो कि याद रखिएगा कि इसका याद रखने का मतलब क्या है, हमेशा याद ही रहेगा कि क्योंकि इसमें कोई डर नहीं है आपको कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव ही देगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कोई भी रहता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका था 360 प्लस थीटा का रिडक्शन। तो ये जो है रेगुलर सेशन। अब कुछ क्वेश्चंस जो है मैं आपके सामने, जैसे कैसे इसको यूज करना है,